अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है सबका। आज ही मैं बनाने लगी हूँ पास्ता सैलड। पास्ता सैलड के लिए मैंने पानी ऊपर रखा है और अब हम इस पानी को बॉईल कर लेंगे और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा 2 टेबलस्पून ऑयल पास्ता बॉईल करने के लिए। जब पानी बॉयल हो जाएगा तो फिर हम इसमें पास्ता डाल देंगे। पानी उबलना शुरू हो गया है, अब हम इसमें पास्ता डाल देंगे। इसमें मैं ये 2 तरह के पास्ता डालने लगी हूँ। मेरे घर में ये वाला इतना ही था, अब मैं इसके साथ ये वाला मिक्स कर लूँगी पनीनी। तो आपकी मर्जी है, आप 1 शेप भी ले सकते हैं, आप 2 शेप भी ले सकते हैं, जैसे आपको घर में अवेलेबल है। जितना अवेलेबल है आप उतना ही कर लें, कोई इश्यू नहीं है। बस अब हम पास्ता को बॉईल कर लेंगे। इसमें 1 टीस्पून जो है आप नमक का भी डाल दें। इसको हम ढक देते हैं। पास्ता हमारा बॉईल हो चुका है, अब हम उसको छाननी में पोल लेंगे। अब आप इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें, उसके बाद 2 टेबलस्पून जैतून के तेल के डाल दें। इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है सैलड में। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप बेशक ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑयल को अच्छी तरह मिक्स कर लें पास्ता में। अब हम सॉस बनाते हैं। सॉस बनाने के लिए मैंने इसमें 4 टेबलस्पून टमाटो सॉस के डाले हैं, 4 टेबलस्पून मेयो के डाले हैं, 2 टेबलस्पून चिली सॉस के डाले हैं, मैगी चिली सॉस के, और 1 टीस्पून मैंने इसका हॉट पेपर का डाला है। इसके बजाय अगर आपके पास तबास्को सॉस है तो वो 1 टीस्पून डाल दें। इसका टेस्ट जो है ज़्यादा हॉट है, उसका मीडियम है। अगर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, जो भी चिली सॉस आपके घर में है अब वो इसमें डाल दें बस। अब हमने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून लेमन जूस और 1/2 टीस्पून शुगर, उसको बैलेंस करने के लिए। ये आप इसका सॉस बना लें। अच्छा, पास्ता आपका ना ज़रा सॉसी होना चाहिए। अगर सॉस ज़्यादा हो उसमें ना, ड्राई ड्राई पास्ता अच्छा नहीं लगता। अगर आप देखें, इसमें मुझे अब सॉस कम लग रहा है, मैं इसमें सॉस और डालूँगी थोड़ा सा। आप अपने अंदाजे के मुताबिक देख लें, लेकिन आपका जो पास्ता है ना वो ड्राई ना हो बस। मैं इसमें 2 टेबलस्पून और सॉस के डालूंगी। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पिसी हुई और थोड़ा सा नमक। अब हम इस सॉस को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। मेरे नाल ना बड़ी बुरी हुई, जदों मैं सारी वेजिटेबल ना मिक्स कर रही थी तो उसकी वीडियो ही नहीं बनी, तो अब मुझे पता चला है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। इसमें मैंने डाली है 1/2 क्यूकम्बर, 2 मीडियम साइज़ की गाजरें कद्दूकस करके वो, 1 बाउल भर के बंद गोभी का, 1 मीडियम साइज़ का एप्पल, उसको बारीक डाइस कर लेने हैं, और इसमें मैंने 1 टिन कॉर्न का यानी मकई के दाने, और साथ में पास्ता जो मैंने बॉयल किया था, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हैं। अब सॉस को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे उसके अंदर। खट्टा लग रहा था तो अब मैं चेंज कर लेती हूँ इसको, ताकि ये अच्छे से मैं इसको मिक्स कर सकूँ। आप भी बर्तन बड़ा लें मेरे तरह, वरना आप लोगों को भी ना चेंज ही करना पड़ेगा, एक और बर्तन धोना पड़ेगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत मज़े का पास्ता बनता है। अगर मेहमान आ रहे हैं या आपका दिल चाह रहा है रोस्ट वगैरह के लिए और कबाब्स के साथ, वैसे भी ये पास्ता बहुत मज़े का लगता है। पास्ता सैलड और कुछ भी समझ ना आए खाने को तो ये पास्ता सैलड बना के तो इंसान खा लेता है।
ठीक है ना, ये ड्राई ड्राई नहीं है, सॉसी है। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको पसंद आया है या नहीं। ले जी, मज़ेदार पास्ता सलाद हमारा तैयार है और उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप ज़रूर इसको ट्राई करें और मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।